नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। उत्तर बिहार की खास करके बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगह पे बाढ़ ने दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा के जो प्रखंड मुख्यालय का जो संपर्क पथ है, आपको बता दें कि कटरा के पीपा पुल पर भी पानी चढ़ गया है। इसके साथ ही औराई और कटरा के कई गांव में पानी घुस गया बाढ़ को लेकर। जो बता दें कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भी जो है पारू से लेकर साहेबगंज तक कई पंचायतों का उन्होंने भ्रमण किया है और कई जगह पर निरीक्षण किया है। इस दौरान बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में हवाई मार्ग के द्वारा निरीक्षण किया है, सर्वे किया है, देखा है कहां कहां पर किस प्रकार से बाढ़ का जलस्तर बढ़ा हुआ है और गंडक नदी के जलस्तर में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है और कहां पे क्या कुछ व्यवस्था होनी है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी आज बता दे कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है और बाढ़ को लेकर उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में भी अब अलर्ट मोड पर है। बता दे कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, वो अब अलर्ट मोड पे है बाढ़ को लेकर, क्योंकि लगातार जो है नेपाल में बारिश हो रही है और गंडक बराज जो 36 फाटक खोले गए थे, वो बता दें कि जो कोसी बराज के 36 फाटक खोले गए थे, जिसके वजह से है उत्तर बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से नदियां भी उफान पर है। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, किस प्रकार से जो है नदियां उफान पर है, चाहे वो मुजफ्फरपुर के औराई की बात करें, कटरा की बात करें। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से हवाई सर्वेक्षण किया है और उन्होंने किस प्रकार से जायजा लिया है, वो भी तस्वीर के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी मुजफ्फरपुर के सभी अधिकारी को अलर्ट रहने को कहा है, कहा कि आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी तटबंध जो है उसकी भी पूरी तरह से मरम्मत कर ली जाए और जो बांध है उसको भी अच्छे से देखा जाए, कहीं पर भी किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। तो बाढ़ को लेकर आप बता दें कि सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक भी अब अलर्ट मोड पर है और बाढ़ ने दस्तक दे दिया है। तो नेपाल में लगातार बारिश होने के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दिया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।